69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। अगर आप 69,000 भर्ती में अपनी दावेदारी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को पहली बार मेरी रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखिएगा। आपके सामने आज एक कट ऑफ की पीडीएफ मेरे द्वारा तिलेनी दुर्गेश के द्वारा उपलब्ध कराएगी। उसके बाद आपके मन में बहुत सारे हजारों सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। उन सवालों में सबसे बड़ी मदद आपको होगी, इस पीडीएफ का सबसे बड़ा उपयोग आपके लिए क्या होगा। इसको कुछ लोगों द्वारा बदनाम करने के दृष्टिकोण से इसका मिसयूज किया जा रहा है, मैं उस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके सामने। उसके बाद आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। ये 75 जिलों की हमने एक अनुमानित कट ऑफ लगाया था, अपने आप से जारी किया था। इसका उद्देश्य यह था कि बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र इस सभी अलग अलग गांव वाले जनपद से हैं, जब उन्हें 75 जिलों को भरना पड़ेगा आवेदन में, तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा किस जिले को किस क्रम में रखा जाए ताकि वो अपने घर से दूर ना जाने पाए और उनको अपने घर के आसपास के विद्यालय मिल जाए ताकि उनकी जो शैक्षणिक कार्य है, जो पठन पाठन का काम है, वो बेहतर तरीके से हो पाए, उनको परिवहन करके ज़्यादा समय अपना न बर्बाद करना पड़े। इस उद्देश्य से हमने ये सर्वे दिया, जिसमें सबसे पहले हमने स्टेट की कट ऑफ ऊपर लिख दिया था। जो लोगों ने पढ़ा होगा, पहली लाइन स्टेट की कट ऑफ लिखी गई थी, पूरे प्रदेश में कट ऑफ क्या रहेगी, और ये एक अनुमानित था जहाँ पे प्लस माइनस 2 लिखा गया था। जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान से, जो पढ़े होंगे प्लस माइनस 2 माने कट ऑफ प्लस 2 ऊपर जा सकती है, प्लस नीचे जा सकती है। अगर एक अनुमान आपको मिल जाएगा, जैसे मैं जौनपुर जनपद से हूँ, अब मुझे अपने आसपास के जिलों के बारे में भरना है, तो मैं ये देखूंगा कि मैं जौनपुर में मैं होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक हूँ। इसका पूरा उद्देश्य होम डिस्ट्रिक्ट के लिए था, मेरी बात को गौर समझिएगा, शायद साफ साफ लिखा गया था गृह जनपद के लिए। कौन सा जनपद? गृह जनपद। जैसे अगर आपका, जैसे मेरा 67 है और कहीं मेरे जनपद में अगर बगल वाले में छाछर दिख रहा है, तो मुझे है कि मैं सेकंड पहले कौन से 75 जनपद पूरा लिखना है, उन 75 पे मैं पहले इसको रखूं अपना जनपद, दूसरे पे रखूं, अगर ये ना मिलेगा तो ये मिल जाएगा, क्योंकि मेरा कट ऑफ इसके लिए होगा। ये कोई चयन के लिए या कोई नियुक्ति का कट ऑफ नहीं था, मेरी बात गौर समझिएगा, ये कोई नियुक्ति का कट ऑफ नहीं था। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे, हम जिला कैसे भरेंगे, तो उनको जिला भरने में यह जो कट ऑफ था ये उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, उनके लिए मददगार था। लेकिन कुछ लोगों ने इसके कुछ जिलों को पॉइंट उठाकर, कोई मेरा फिर नाम है, कोई चैनल भी बता रहा था कि सर वो इस तरह से आपको बोल रहे थे, सर वो आपको वो यूट्यूब चैनल वाले ऐसे बोल रहे थे। देखिए, पहली बात तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस हमारे पीडीएफ का उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया। मैं दुर्गेश जायसवाल सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता उनका विचार सकारात्मक था नकारात्मक था, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, अगर किसी अभ्यर्थी के सामने अगर वो अपनी बातें रख रहे हैं, तो अभ्यर्थी को अगर सकारात्मक लगेगा तो उनको जवाब देगा, क्योंकि वहाँ पे मैं जवाब देने के लिए नहीं था, इसलिए वो जो बोलेंगे सामने वाले को सही लगेगा। तो मेरा, जैसे आप अपने घर में, आपको 75 जनपद का चुनाव करना है, तो 75 जनपद को चुनाव करने के लिए यह एक अनुमानित था, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया था यह एक अनुमानित कट ऑफ है। क्या है? अनुमानित, ध्यान रखिएगा, अनुमानित कट ऑफ है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 2 लिखा गया था, जिसका ये तात्पर्य होता है, जिसका ये मतलब होता है कि 2 ज्यादा या 2 कम, ये कोई फाइनल नहीं था, इसके बाद वाले का हो जाएगा, इससे कम वाले का नहीं होगा, ये एक अनुमान लगाया गया है। और इस अनुमान के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी, वो कोई 2 मिनट में आता है कहता है ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, वो बड़ा आसान है, लेकिन वास्तविकता ये है उतनी मेहनत करके इसको पूरा तैयार करना वो बड़ा कठिन कार्य है। हो सकता है अभी यहाँ पे कमियां निकालेंगे, कमियां निकालना बहुत आसान, मैं आपको सारी बातें स्पष्ट करूंगा पूरी तरीके से। तो जैसे जो भी व्यक्ति, जैसे यहाँ पे बहुत सारे जनपद का उन्होंने भी उदाहरण दिया होगा, तो जैसे कोई जनपद लेते हैं, जैसे हमने कोई जनपद, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया, जैसे मैंने पीलीभीत ले लिया, जो पीलीभीत का बच्चा होगा उसको ये पता है कि यार मैं 69 तक भर रहा हूं, तो मैं, मुझे शायद जनरल हो, शायद मुझे डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, लेकिन उसके बाद अपने आसपास उसके कौन से जिले हैं, तो ये जो पीडीएफ है उससे फॉर्म आवेदन करने में उसकी एक अहम भूमिका निभा सकती थी। ये केवल इसका उद्देश्य यही था, जो आपके आवेदन से कुछ घंटे पूर्व आपको प्राप्त हुआ, इसका अन्य कोई अर्थ नहीं था। यह हमारा कट ऑफ है, यह हमारा नियुक्ति पत्र है, इसके नीचे वाले टीचर नहीं बन पाएंगे, इसके ऊपर वाले ही टीचर बन जाएंगे, इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। अब आधा गिलास खाली है, हमारा देखने का नजरिया है कि भैया आधा भरा है और आधा खाली है। वो देखने का नजरिया क्या है आपका, माने ये रखता है आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। मेरा दृष्टिकोण जो था वो मैंने आपको साफ कर दिया कि इसको कट ऑफ जारी करते समय जब आप 75 जनपद का चुनाव करेंगे तो वहां आपको समस्या ना हो। जैसे
अगर आप किसी साथ पहले दोनों बातें समझ लीजिए कैसे जिलेवार आप कट ऑफ का चयन करेंगे, तो पहले प्रदेश की कट ऑफ आएगी, तो जब प्रदेश कट ऑफ भरेंगे तो जिले की च्वाइस करेंगे ना, जब जिले की च्वाइस करने के लिए आप जिले को टच करना चाहेंगे तो कैसे होगा, आइए मैं एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे किसी शादी समारोह में आप जाते हैं और ढेर सारे सब्जी के स्टॉल लगे होते हैं, तो किसी एक स्टॉल पर आप जाते हैं जो आपको पहले देना होता है, जो पहले लेना, तो उस स्टॉल पर पहले जाएंगे, चाहे आप पूड़ी के लिए जाएं, चाहे कचौड़ी के लिए जाएं, सब्जी में चाहे पहले पनीर के पास जाएं, पहले आप भिंडी के पास जाएं, करेले के पास जाएं, पालक के पास जाएं, बैगन के, मतलब जिस स्टॉल में पहले जाएंगे उसको पहली बार रखेंगे, वो थाली में पहली बार, फिर दूसरी बार, इस तरह से आपकी थाली भरेगी। उसी तरह 75 जनपद हैं जिनको क्रमवार एक एक कर कर आपको भरनी होती है, माने क्रम से इसको पूरा भरना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। दूसरी बात, अब जैसे किसी जगह भीड़ लगी है, जैसे आपको पसंद है कि आपको केरला बहुत पसंद है और अब केरला के स्टॉल पे बहुत भीड़ है, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम बगल वाले स्टॉल से ले लेते हैं। यही करते हैं आप कि बगल वाले से लेते हैं, तब तक खाली जगह फिरवा लेंगे। तो यही है, अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में ये लग रहा है यार यहाँ की मेरिट जो है ये मुझे लग रहा है कि शायद मुझे यहाँ पे ना मिल पाए, लेकिन जो पड़ोस का जनपद है, जिसे सटा हुआ जनपद है, ये मुझे मिल जाएगा। इस उद्देश्य से इस अनुमानित कट ऑफ को बनाया गया, और यकीन नहीं मानेंगे इस पीडीएफ को बनाने के लिए 18 घंटे से ज्यादा समय इस पे दिया गया है, तब जाकर ये पीडीएफ बना है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था जिसकी वजह से इस पीडीएफ को बनाया गया था। फिलहाल लोग इसमें कमियां निकालेंगे, लोग इसमें बुराइयां करेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, भगवान ने उनको जुबान दिया है, वो अपनी सारी बातें कह सकते हैं, वो सारी बातें रख सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दिया। अब आप ये बताइए, बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें होंगी, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होंगे जो अलग अलग जनपदों से होंगे, उनको ये दिक्कत थी क्योंकि एक गलती उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकती है, तो क्या आपको 75 जिले में भरने में क्या समस्या नहीं होती कि पहले पे कौन रखे, दूसरे पे कौन रखे, तो क्या उसके लिए मददगार हो सकती है या नहीं? अगर हो सकती है, अगर आपको 1% भी लग रहा है तो आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ये पीडीएफ आपकी भर्ती के समय इसका 1 पैसे कोई काम नहीं है, तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग कमियां निकालना बहुत आसान, एक आर्टिस्ट था बेचारा, कला बनाता और बना के जब रख देता चौराहे पे, कहता इसमें जो कमियां लिखो, तो जो भी आता लिखता उसके अंदर ये कमी है, ये कमी हो, बेचारा परेशान हो जाता कि मैं पूरा रात दिन एक करके मेहनत करता हूँ, पसीना बहा देता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ, मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, फिर लोग इतनी कमियां कैसे निकाल देते हैं। तो अपने गुरु के पास गया, उसने पूछा सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा लोग क्यों करते हैं मेरे साथ? तो उसने कहा कुछ मत करिए, एक चित्र बनाइए, उसके नीचे लिख दीजिए इसमें जो कमी लगे उसे सुधार कर दो। उसने चौराहे पर रख दिया। अगले दिन जितने लोग आते सबने कहा वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उस दिन उसे एक कमियां नहीं मिली। मतलब अगर कोई कमी उसे सुधार कर दो तो कोई कमी नहीं मिली, लेकिन उन्हें यह कमी मिल गई कि यहाँ पे आंकड़े जो है ये बच्चों को गुमराह करने के लिए, मैंने आपकी मदद के लिए बनाए थे, क्या ये नियुक्ति पत्र है, क्या ये कट ऑफ है, ये तो आप पढ़े लिखे आप मास्टर बनने जा रहे हैं, ये तो मुझसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्या ये नियुक्ति पत्र है, क्या नियुक्ति का लेटर है, क्या 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 जो मैंने बता दिया क्या वो सही है, क्या मैं पीएनपी हूं, नहीं हूं, क्या मैं बेसिक शिक्षा परिषद हूं, मैं नहीं हूं, मैंने अनुमानित कट ऑफ दिया ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो जाए। मेरा उद्देश्य एकमात्र ही था, अगर आपको लगता है मैं अपनी जगह सही हूं तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको वो लगता है कि वो लोग जो इस पीडीएफ का यूज करके बदनाम करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मेहनत करने वाले लोग, सच्चे लोग यहाँ से बाहर हो जाएं, और फर्जी की जो खबरें चलाते हैं, आइए ये देखिए वो देखिए, जो बड़े बड़े थंबनेल लगा के चलाते हैं, अगर उनको चैनल पे लगातार रहना हो तो भी आप हमें जरूर बताइएगा। हम भी 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं, जो ये कमेंट करते हैं क्या उनसे पूछिए क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में है, क्या आपको ये पता है कि इस भर्ती में है, क्या इस भर्ती से आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप सरोकार है, तो साफ उनका जवाब रहेगा वो इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं रहते, वो केवल दूर से कटाच करना, लोगों को उनके काम से उन्हें हटाना, उन्हें गालियां दिलाना, ताकि वो लोग मेहनत से काम ना करें और वो गरीब बच्चे, वो गरीब परिवार, ऐसे परिवार जो इस कोरोना से पहले से प्रभावित हैं, वो इस डिस्ट्रिक्ट भरते समय और ज्यादा परेशान हो, गलतियां करें, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो, ऐसे लोगों की सोच होगी। वहां पे कह रहे हैं ये बीटीसी वाले से गाली दीजिए, वो बीएड वाला से गाली, मतलब ऐसे लोग क्यों रखते सोच? अगर ऐसी सोच आप लोग को लगती है सही है तो बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। अगर आपको लगता है, जरा सा भी लगता है कि नहीं ये पीडीएफ आपके लिए उपयोगी है, ये आपके लिए मददगार है, तो आप, कुछ लोग कह रहे हैं एससी की कटऑफ ज्यादा, यार ये फाइनल कटऑफ नहीं है, ये तो मैंने एक आधार बनाया एक एनालिसिस करके,
ताकि आपको यहां से दिक्कत ना होने पाए, आपको कोई समस्या ना होने पाए, इस आधार पे मैंने आपको बनाया था। आप क्या सोचते हैं ये अलग माने हैं, लोग कह रहे हैं ये फेक है क्या, अरे यार ये तो अनुमानित है, साफ साफ लिखा गया, देखिएगा यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। शायद वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, अब मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह सकता, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये अनुमानित कट ऑफ है सर्वे के अनुसार, यहाँ पे एकदम साफ साफ लास्ट पेज पे लिखा गया है। पता नहीं महाशय को ये सब नहीं दिखा, बस उनको कमियां नजर आई। पता है एक अध्यापक थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, अचानक उन्होंने मार्कर उठाया व्हाइट बोर्ड पे, इसे पूछा व्हाइट बोर्ड पे क्या दिख रहा है, तो सभी बच्चों ने कहा सर एक काला डब्बा दिख रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा यार तुम्हें इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा, ये दिखा। बच्चों ने कहा सर यही दिखा। कह सर इसी तरह इंसान होते हैं, उन्हें ये पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखता, छोटी सी कोई कमी नजर आएगी वो सबसे पहले दिखेगा, ये पूरा बोर्ड दिखाई नहीं देगा। तो वही लोगों ने किया। तो आपको यदि लगता है मैं अपनी जगह सही हूं तो कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे कौन सा, क्या नाम उनका, कोई मीरा फिरा नाम से कोई था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे कोई चैनल नाम, किसी लड़के ने भी मैसेज भेजा था कि सर ऐसा है जो आपको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, तो पता नहीं ऐसे कुछ है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, मैं अभी देखता तो बताता, अभी मोबाइल दूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस पीडीएफ का आप लोग सकारात्मक यूज करिएगा। इसका ना जब जिला आवंटन होगा, जिले में जब भरी जाएगी तब इसका उपयोग करिएगा, ताकि यहाँ से आपको सारी दिक्कतों का सामना जो है वो ना करना पड़े। इसी को उद्देश्य इस पीडीएफ को बनाया गया था। और हर जगह स्टेट हर पेज के जैसे हो सकता था, मुझे डर था कहीं ये जो ये पेज है किसी तीसरा मिले किसी को दूसरा, तो हर पेज के ऊपर आप ध्यान देखेंगे जो उन्होंने दिखाया, हर पेज के ऊपर स्टेट की कट ऑफ लिखी गई, स्टेट की कट ऑफ वहां प्रदर्शित हो गई। इसका उद्देश्य यही था। मेरी बात यहाँ पे समाप्त हुई, और यदि आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ तो कमेंट करके बताइएगा, यदि लग रहा है कि नहीं ये मेरा उद्देश्य इसका कट ऑफ बनाने गलत था तभी आप कमेंट करके बताइएगा। मेरा उद्देश्य किसी गलत ना होने पाए, किसी को समस्या ना होने पाए, उसी उद्देश्य से मैंने बनाया था। बाकी कुछ लोग को कमियां निकालना था तो उन्होंने निकाल दिया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे साथ इलेनी भी दुर्गेश साथ जुड़े थे, आगे भी जुड़े रहेंगे। वो हमारे टेलीग्राम चैनल दुर्गेश सर सर्च कर इलेनी भी दुर्गेश से, साथ साथ हमारा फेसबुक पेज इलेनी भी दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी भी दुर्गेश, ट्विटर इलेनी भी दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे। हम भी आपके साथ बेसिक में आएंगे और आपके साथ मिलकर अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।